आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 1,00,000 के 2 इनामी हत्यारोपी निलंबित पुलिस कर्मियों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। SIT को किया सुपुर्द। SSP ने कहा कोर्ट में सरेंडर के प्रयास में थे आरोपी, लिए गए गिरफ्त में शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर पुलिस अब हत्यारोपियों को SIT को सौंपने की तैयारी में। पूरी घटना की जांच के बाद सौंपी जाएगी प्रदेश सरकार को रिपोर्ट। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महापौर ने कहा जैसा होगा मन वैसा होगा तन, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जरूर करें व्यायाम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्प एंड सोशल अपलिफ्टमेंट तथा श्रीराम घाट आरती समिति एवं मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के तत्वावधान में आयोजित हुआ वरिष्ठ जनों का सम्मेलन राष्ट्र गौरव के लिए अगली पीढ़ी को सहेजने पर हुई चर्चा। जनपद के 34 केंद्रों पर संपन्न हुई संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज प्रारंभिक की परीक्षा। पंजीकृत 15,992 अभ्यर्थियों में से प्रथम पाली में 8,271 तो द्वितीय पाली में 8,391 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। सुचिता के रहे व्यापक प्रबंध। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में पंचमी तिथि पर माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता एवं कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा। आरती के पश्चात वितरित हुआ प्रसाद। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर CRC के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को मानसिक रोगों के प्रति किया गया जागरूक।